नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ डिसिप्लिन, डैनियल वॉल्टर द्वारा लिखित अनुशासन की शक्ति, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का उपयोग कैसे करें। एक पुस्तक है जो किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आत्म अनुशासन और मानसिक दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। यह पुस्तक आत्मनियंत्रण को मजबूत करने और उन व्यवधानों पर काबू पाने के लिए कई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य, सिद्धांत, कानून और निर्देश प्रदान करती है जो हमें हमारे महान लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। आत्म अनुशासन और मानसिक दृढ़ता का महत्व पुस्तक यह समझाते हुए शुरू होती है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने से पहले उन्हें आत्म अनुशासन की एक ठोस नींव की आवश्यकता होती है। प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और कौशल समीकरण का केवल एक हिस्सा है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि आत्म अनुशासन वह है जो आपको तब ध्यान केंद्रित रखेगा जब सब कुछ गलत हो रहा हो और आपको अपने ऊपर लगाई गई सीमाओं को खत्म करने और अपने लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता प्रदान करेगा। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि आत्म अनुशासन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास के माध्यम से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लक्षित करके हासिल किया जा सकता है। आत्म अनुशासन का विकास करना, यह पुस्तक आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्मनियमन विकसित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है जो प्रतिस्पर्धी दुनिया में मानसिक रूप से कठिन चरित्र विकसित करने की ओर ले जाती है। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात विकसित किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है। पुस्तक आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए कई युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करती है जिनमें शामिल हैं कार्यों को प्राथमिकता देना। पुस्तक बताती है कि आत्म अनुशासन विकसित करने की कुंजी कार्यों को प्राथमिकता देना सीखना है। कार्यों को प्राथमिकता देकर आप सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान भटकने से बच सकते हैं। विकर्षणों को फिल्टर करना, पुस्तक फोकस बनाए रखने और भटकने से बचने के लिए विकर्षणों को फिल्टर करने के महत्व पर जोर देती है। लेखक विकर्षणों को फिल्टर करने के लिए कई युक्तियां प्रदान करता है जिसमें सूचनाओं को बंद करना, ईमेल और सोशल मीडिया की जांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना और ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करना शामिल है। बेहतर आदतों का निर्माण, पुस्तक बताती है कि आत्म अनुशासन बेहतर आदतों के निर्माण के बारे में है। लेखक बेहतर आदतें बनाने के लिए कई युक्तियां प्रदान करता है जिसमें विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्यों को छोटे अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना और प्रगति पर नजर रखना शामिल है। आत्मनियंत्रण का जीव विज्ञान, यह पुस्तक हमारे मस्तिष्क के भीतर की जैविक प्रवृत्तियों का भी पता लगाती है जो हमारे आत्म अनुशासन को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता निर्धारित करती है। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता हमारे कार्यकारी कार्यों द्वारा निर्धारित होती है जिसमें स्मृति संचालन, संज्ञानात्मक लचीलापन, अनुकूलनशीलता और आवेग नियंत्रण शामिल हैं। मस्तिष्क खेलों और अन्य मस्तिष्क वर्धक गतिविधियों के माध्यम से इन कौशलों को नियमित रूप से मजबूत करने से हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। पुस्तक इन कौशलों को मजबूत करने के लिए कई युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करती है जिनमें शामिल हैं दिमागी खेल। किताब बताती है कि दिमागी खेल कार्यकारी कार्यों को मजबूत करने और फोकस में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। लेखक मस्तिष्क खेलों के कई उदाहरण प्रदान करता है जिनमें सुडोकू, क्रॉसवर्ड पहेलियां और मेमोरी गेम शामिल हैं। निष्कर्ष अंत में डैनियल वॉल्टर द्वारा लिखित अनुशासन की शक्ति, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का उपयोग कैसे करें। आत्म अनुशासन और मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है
पुस्तक आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए कई युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करती है, जिसमें कार्यों को प्राथमिकता देना, विकर्षणों को फिल्टर करना, बेहतर आदतें बनाना और गहरा ध्यान और ध्यान शामिल है। पुस्तक हमारे मस्तिष्क के भीतर की जैविक प्रवृत्तियों का भी पता लगाती है, जो हमारे आत्म अनुशासन को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता निर्धारित करती है और इन कौशलों को मजबूत करने के लिए कई युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करती है। कुल मिलाकर यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्म अनुशासन और मानसिक दृढ़ता विकसित करना चाहते हैं।